अब ये तुम्हारा प्रश्न बड़ा विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि आजकल के बच्चे और बच्चियां दोनों चरित्र का महत्व ही नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, दूसरा बॉयफ्रेंड दूसरी गर्लफ्रेंड, ये क्या है, ये क्या है? चरित्रहीनता ही तो इससे हो रही ना। कह रहे नया समाज है। अरे भाई, मन और इंद्रियां और शरीर तो वही है, इसको गंदा कर रहे हो तो कैसे कैसे तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे, कैसे तुम्हारा गृहस्थ धर्म चलेगा? जब हमारे स्कूल का समय था तब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इस शब्दों का प्रयोग ही नहीं था, प्रयोग ही नहीं था। मोबाइल ही नहीं था, मोबाइल की सृष्टि ही नहीं हुई थी, नहीं था कोई गंदा धर्म। सरल सहज गांव के बच्चे सहज पढ़ अपने पढ़ के आए, अपने अपने घर में खेल रहे, खा रहे, पवित्र जीवन। अब हम कैसे इस विषय में कहें कि तुम्हें पवित्र वैष्णव या धर्मनिष्ठ पति मिल जाए तो भगवान ने कोई खोज करके ऐसा, नहीं तो आपका तप और आपका भजन और आपकी पवित्रता ही इस बात का प्रमाण होगी कि अगर आपको ऐसा पति मिल जाए। नहीं तो आज जो समय है, मतलब बहुत ही गिरता चला जा रहा है हमारा समाज। कौन ऐसा निकलेगा जो शराब न पिए? कौन ऐसा है जो व्यसन रहित है? कौन ऐसा जो व्यभिचार रहित है? एक संयम में चल रहा, कहां? अगर होगा कोई तो लाखों करोड़ों में एक दो ऐसे अंगुली कर सकते हो कि एक या दो ऐसे जो अपनी पत्नी से केवल प्रेम, अपने पति से केवल प्रेम, और बच्चा है तो जब तक माता पिता पाणी ग्रहण न कर दे तब तक ब्रह्मचर्य। भैया, अब इसका उत्तर तो मतलब भगवान ही तुम्हें दे सकते कि तुम्हारा ऐसा पति हो। अब आप कितना तपस्वी हैं, कितना भजन करते हैं, कितना आपने पुण्य कमाया है, उसके फलस्वरूप आपको कैसा मिलेगा? अच्छा, हम तभी आशा रखें आपको सुधारने की जब हम सुधरे हुए हो। हम ये आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, जिसका चरित्र ठीक नहीं वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, किसी डिपार्टमेंट में कुछ नहीं है। चार दिन के चांदनी, इसके बाद जो कालिक पोतेगी, चाहे कोई पदाधिकारी हो, कोई भी हो, अगर चरित्र ठीक नहीं है तो हम माना कि कुछ दिन तुम चमक लो, हाइलोजन की तरह फ्यूज हो जाओगे, फ्यूज हो जाओ। और चरित्र ठीक है तो दीपक की तरह भले जलो, लंबे समय तक तुम्हारा यश कीर्ति सुख समृद्धि बनती रहेगी। मान लो हमारी प्रार्थना, ये चरित्रहीनता जो आ रही है अपने बच्चों में, अपने भाइयों में, अपनी बहनों में, समाज में, इसको अगर हम एक एक करके सुधारें तो सुधर सकता है। हम अपने को पहले सुधारें। आज हमारी समाज जिस तरफ जा रही है उसका नाम है पतन, उन्नति के नाम पे पतन। बस इतनी बात समझ लो। जिसके हृदय में देखो विग्रह, मतलब लड़ाई झगड़ा दोष, इतने बड़े बच्चे इतनी बदतमीजी से माता पिता से बात करते देखे जाते हैं कि लगता है क्या ये जीवन में उन्नति करेंगे। अरे विद्या पढ़ रहे हो तो तुम्हारे अंदर विनय आनी चाहिए, झुकना आना चाहिए, पवित्रता आनी चाहिए। ये राक्षसी बुद्धि कैसे आ रही है आज के बच्चों में? खान पान बिगड़ा हुआ, चरित्र बिगड़ा हुआ, तो फिर हमें तो सखी नहीं लगता ऐसा कि आगे चल करके ऐसा कुछ। अभी तो मिल सकते हैं, ऐसे भी होंगे, भगवान कृपा करें आपको जैसी आपकी भावना वैसा जीवन साथी मिले, पर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। पर हमें यही प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों को बचाओ।